सो हे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉइड फ़ोन से अच्छा सा इंट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। सो फ्रेंड्स, इंट्रो क्रिएट करने के लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिनका नाम है पिक्सल लैब और काइन मास्टर। सो आपको इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ जाकर आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट मिलता है, उसको आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद ऊपर कॉर्नर में आपको थ्री डॉट मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको इमेज साइज में चले जाना है। इमेज साइज में आने के बाद यहाँ पे आपको प्रीसेट में क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सिंपली ओके में क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ नीचे लेआउट में आपको सेकंड लास्ट में लेयर का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको ट्रांसपेरेंट इसको कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन में चले जाना है, जो हेक्सागन शेप में आ रहा है उसमें। फिर शेप में जाके यहाँ पे आपको शेप सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ से सर्कल शेप सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको टिक में क्लिक करके यहाँ से सेव एज इमेज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एडिट में चले जाना है। एडिट में आने के बाद यहाँ पे आपको शेप सिलेक्ट हुआ भी चले जाना है। फिर उसके बाद आपको स्क्वायर शेप सिलेक्ट करके आपको इसका जो साइज़ है कुछ इस तरीके से कर लेना है, और इसको लंबा कर लेना है कुछ इस तरीके से। लंबा करने के बाद आपको टिक में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा रोटेट का ऑप्शन। सो आपको रोटेट में क्लिक करके इसका एंगल हो आपको 26 डिग्री कर लेना है। सो फ्रेंड्स, 26 डिग्री मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 26 डिग्री करने के बाद आपको टिक में क्लिक कर लेना है। फिर आपको इसे अनसिलेक्ट कर लेना है। फिर वापस से शेप वाले ऑप्शन में जाके इस बार इसका साइज़ है कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है आपको। बड़ा करने के बाद आपको इसका कलर है वो ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको टिक में क्लिक कर लेना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके तो आपको वापस से रोटेट वाले ऑप्शन में चले आना है। रोटेट में आने के बाद इसका भी एंगल आपको 26 डिग्री कर लेना है। सो फ्रेंड्स, 26 डिग्री करने के बाद आपको इसको व्हाइट कलर का जो है लाइन उसके साथ आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आपको PNG दिख रहा होगा, यानी जो बैकग्राउंड है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको टिक में क्लिक कर लेना है। फिर इसको अनसिलेक्ट करके यहाँ पे सेव एस इमेज करके आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको जो ब्लैक वाला जो हमने स्क्वायर किया था उसको आपको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपने जो व्हाइट पट्टी खींची है उसको आपको सेव एज इमेज करके सेव टू गैलरी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आगे की प्रोसेस मैं आपको काइन मास्टर के अंदर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं काइन मास्टर के अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस वाला ऑप्शन में क्लिक करके 16:9 वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मीडिया वाला ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड में चलाना है। फिर यहाँ से आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करके आपको इसका ड्यूरेशन रख लेना है 8-9 सेकंड तक। 8-9 सेकंड रखने के बाद आपको लेयर में जाके मीडियम चलाना है। मीडियम आने के बाद हमने जो पिक्सल लैब में सर्कल क्रिएट किया था उसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसका ड्यूरेशन हमें रख लेना है ऊपर वाले लेयर की तरह ही। फिर इन एनिमेशन में जाके इसका एनिमेशन हमें रख लेना है स्केल अप। सो फ्रेंड्स, स्केल अप रखने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। फिर आपका जब सर्कल एंटर हो तो आपको स्टॉप कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1.656 सेकंड में। फिर लेयर में जाके आपको मीडिया में, फिर आपको जो आपके चैनल का लोगो है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो मैं ये वाला जो लोगो है उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट करने के बाद इसका ड्यूरेशन आपको ऊपर वाले लेयर की तरह ही रख लेना है। फिर उसके बाद आपको इसका साइज सेंटर में एडजस्ट कर लेना है, जो सर्कल है उसके सेंटर में आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, सेंटर में एडजस्ट करने के बाद आपको इन एनिमेशन में जाके इसका भी एनिमेशन आपको दे देना है स्केल अप। स्केल अप रखने के बाद आपको बैक आ जाना है और सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़े से आगे में से स्टॉप कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3.197 सेकंड में। फिर लेयर में जाके आपको टेक्स्ट में चलाना है। फिर आपका जो चैनल का नाम है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ योर टेक्स्ट। योर टेक्स्ट लिखने के बाद आपको ओके में क्लिक कर लेना है, और इसका ड्यूरेशन भी आपको बाकी लेयर की तरह ही कर लेना है। फिर आपका जो टेक्स्ट है उसे आपको नीचे में एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट में जाके आप एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। सो मैं एग्जांपल के लिए ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। फिर आपको इन एनिमेशन में जाके, इन एनिमेशन में आने के बाद फिर आपको इन एनिमेशन में चलाना है। इन एनिमेशन में आने के बाद आपको इसका एनिमेशन दे देना है एंटर स्लाइड डाउन। एंटर स्लाइड डाउन देने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा इंट्रो कैसे बना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा एनिमेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हमें इस इंट्रो को एंड की तरफ स्टॉप कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 7.646 सेकंड में। फिर उसके बाद हमें लेयर में जाके मीडियम में चलाना है। मीडियम आने के बाद हमने जो पिक्सल लैब में अभी क्रिएट किया था व्हाइट लाइन उसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं इसका ड्यूरेशन छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद आपको इसका साइज बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे इस साइड में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे की एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है की का, उसमें जाके आपको थोड़ा सा आगे चले जाना है। आगे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको इस साइड में शिफ्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक में क्लिक कर लेना है। सो मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा एनिमेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स जब हमारा व्हाइट लाइन इस साइड में शिफ्ट हो जाए तब हमें स्टॉप कर लेना है, उसके बाद लेयर में जाकर मीडिया में फिर हमने जो पिक्सेल है ब्लैक कलर का क्रिएट किया था उसे हमें यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है और इसको उल्टा करके इस तरीके से हमें उल्टा कर लेना है, फिर बड़ा कर लेना है हमें, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही कर लेना है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद इसका ड्यूरेशन आपको छोटा कर लेना है, छोटा करने के बाद आपको की एनिमेशन वाला ऑप्शन में जाके आपको एंड में आ जाना है और इस तरीके से आपको स्लाइड करके इस साइड में इसे शिफ्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स इतना करने के बाद मैं इसे आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा इंट्रो कैसा बना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा एनिमेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसे करके आप सिंपल तरीके से अपने एंड्रॉइड फोन से यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।